हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम कार्तिक है, मैं माया प्रोडक्ट टीम का हिस्सा हूं और आज हम चर्चा करेंगे हाउ टू मेंटेन नॉनस्टिक कुकवेयर। अब नॉनस्टिक कुकवेयर खरीद तो लिया है, उसमें खाना ही बन रहा है, लेकिन क्लीनिंग कैसे करें, उसको मेंटेन कैसे करें, कितना ध्यान रखें ताकि ये सालों साल हमारे साथ चले, जानेंगे आज हम इस वीडियो के अंदर। तो देखते रहिए। देखिए, बहुत कमाल का क्वेश्चन है कि हाउ टू मेंटेन नॉनस्टिक कुकवेयर। खरीदने के बाद खाना बनाया, बहुत पसंद आया, सफाई के टाइम के ऊपर हल्का सा भी हार्श यूसेज जो है आपके नॉनस्टिक कुकवेयर को ख़राब कर सकता है, तो क्या करें। बहुत सिंपल चीज़ है, इतना कोई ज़्यादा ध्यान रखने की बात नहीं है। आपने खाना बनाया, खाना सर्व करा, जब आपका बर्तन तैयार है धुलने के लिए तो उसको ठंडा होने दीजिए, एकदम गर्म को ठंडा मत कीजिए, पहली चीज़ ये ध्यान रखिए। दूसरी बात, जब आप साफ़ कर रहे हैं उससे पहले मैं क्या कहता हूँ कि एक पेपर टॉवल लीजिए, एक्सेस ऑयल जितना आपको दिख रहा है उसको ऐसे आप निकाल दीजिए, वो आराम से निकल जाएगा। आप कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, पेपर टॉवल यूज़ कर सकते हैं, टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसको इत्मीनान से धोइए और ध्यान रखिए कि आप कोई हार्श जो आपका स्कॉच ब्राइट टाइप कुछ आता है या फिर जो आपके स्टील के जूने हैं, स्टील वूल जिसे हम कहते हैं, उसका इस्तेमाल इस पर ना करें। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं बहुत मना करता हूँ ऐसी चीज़। इसके अंदर मेटल शार्ड्स होते हैं जो कि स्क्रैच मार सकते हैं, जिसके वजह से नॉनस्टिक का जो क्वालिटी है वो ख़राब हो सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। जब आप खाना बना रहे हैं इसके ऊपर तो हीट का बहुत ध्यान रखिए कि सूखी आँच का मतलब आपने इसको गैस पर रखा, गैस को हाई पे छोड़ दिया, 5-10 मिनट तक आपने इसके ऊपर कुछ नहीं बनाया, उसकी वजह से नॉनस्टिक जो है वो ख़राब हो सकती है। सो ड्राई हीट नहीं होने दे ज़्यादा देर तक इसको। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि लो मीडियम पे जितना आप खाना बनाएंगे नॉनस्टिक के अंदर, उतना आपका नॉनस्टिक का उम्र बढ़ता है। आप जब नॉनस्टिक यूज़ कर रहे हैं तो जो स्पैचुला है, पलटा है, टर्नर है, वो आपका नोकीला ना हो, शार्प है जिसका ना हो, जिसकी वजह से स्क्रैचेस ना आए। देखिए, नॉनस्टिक बढ़िया है, बहुत कमाल की चीज़ है, लेकिन तभी तक बढ़िया है जब तक वो इंटैक्ट है। अगर स्क्रैच लगता है, पीलिंग हो जाती है, नॉनस्टिक छिल जाती है, फिर डैमेज प्रोडक्ट जो है मैं बोलूँगा नहीं आप इसको यूज़ कीजिए। मायर के पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो वारंटी के साथ आते हैं नॉनस्टिक परफॉर्मेंस की। आप स्क्रैचेस से अगर आप उसका बचाव करके रखेंगे, क्लीनिंग के टाइम पे ध्यान रखेंगे, उसको ओवरहीट नहीं करेंगे, तो ये कुकवेयर आपके लिए सालों साल काम करेंगे। ओके, सो हमने ये देखा कि हार्शली चीज़ यूज़ ना करें, लेकिन लोग पूछते हैं तो क्या करें, क्या यूज़ करें। सो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऐसे नायलॉन सिलिकॉन के, ये सिलिकॉन है, ऐसे जो हैं आपके स्पैचुलाज आते हैं जो नॉनस्टिक के लिए परफेक्ट हैं। आप जितना मर्जी इसको रगड़िए करिए, आपको कभी भी इसके ऊपर स्क्रैच नहीं पड़ेंगे, आराम से आपका खाना पलट सकता है। बहुत ही ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट होते हैं प्रोडक्ट्स, सो ऐसी कोई कंसर्न नहीं है। हाँ, डायरेक्ट हीट पे आप नहीं रखेंगे इसको, खाना बनाते वक्त कोई भी आपको कंसर्न नहीं आएगा। जब आप सफाई कर रहे हैं तो सॉफ्ट स्पंज जो येलो साइड है उसका आप इस्तेमाल कीजिए, और जैसे मैंने बताया कि टिश्यू पेपर से सारा एक्सेस ऑयल आप निकाल दीजिए। एक्सेस ऑयल नहीं होगा, ऑयल डिपॉजिट नहीं होगा, आपका नॉनस्टिक ग्रीसी नहीं होगा, सफाई आसानी से होगी और आपका नॉनस्टिक जो है काफ़ी टाइम तक आपका साथ निभाएगा। सो और ऐसी जानकारी के लिए देखते रहिए हमारी वीडियोस। हम फिर दोबारा आपके लिए कुछ नया लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।